पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ईसीजी का स्ट्रक्चर और उसकी वेव्स किस कारण से होती है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ईसीजी लीड्स क्या होते हैं और ईसीजी लीड्स के व्यूज कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीड्स की, तो लीड्स होती क्या है। लीड्स बेसिकली इलेक्ट्रोड से जो कि किसी पोजीशन पे फिक्स होती है और वहाँ से वो हार्ट का जो है किसी एंगल से व्यू लेते हैं। अगर लीड्स की बात करें हम तो टोटल ईसीजी में हम 12 लीड्स यूज़ करते हैं। 12 लीड्स की क्या ज़रूरत पड़ी इसको डिफाइन करेंगे, और पहले चलते हैं 12 लीड्स की डेफिनेशन में। लीड्स होती है दो प्रकार की, पहली होती है जिसमें यूनिपोलर लीड्स और सेकेंड होती है बाइपोलर लीड्स। बाइपोलर लीड्स होती है 3 जबकि यूनिपोलर लीड्स होती है 9। हम स्टार्ट करते हैं बाइपोलर लीड्स से। तो जैसा कि वर्ड्स में डिफाइन हो रहा है, बाइपोलर मीन दो चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इस लीड्स में एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा और दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, और वो दोनों के प्लेसमेंट बताते हैं। 3 बाइपोलर लीड्स होती है, लीड फर्स्ट, लीड सेकेंड और लीड थर्ड। उनकी कहाँ कहाँ प्लेस होती है डिफाइन करते हैं। पहला इलेक्ट्रोड यहाँ होता है, दूसरा यहाँ और तीसरा राइट आर्म, लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट फुट। सबसे पहले दोनों पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहाँ होते हैं, दो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड यहाँ, वो नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड। फर्स्ट लीड होती है राइट आर्म और लेफ्ट आर्म के बीच में, नेगेटिव जिसमें से होगा राइट आर्म और पॉजिटिव होगा लेफ्ट आर्म। फिर होगा सेकेंड लीड होती है लेफ्ट फुट और राइट आर्म के बीच में, ये होती है सेकेंड लीड, ये होती है फर्स्ट लीड। थर्ड लीड की बात करें तो थर्ड लीड होगी लेफ्ट आर्म और लेफ्ट फुट में थर्ड लीड। अगर आप बात करें फर्स्ट लीड की तो हमेशा करंट फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, तो हार्ट इस जगह लोकेटेड होता है। इम्पल्स आएगी जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है लेफ्ट फर्स्ट लीड का, यहाँ से इम्पल्स आएगी या इलेक्ट्रिसिटी आएगी, ये क्रॉस करेगी हार्ट को लेटरल साइड में और जाएगी नेगेटिव से। मीन आपको फर्स्ट लीड जो है वो व्यू देगी लेटरल साइड का। अगर हम सेकेंड लीड की बात करें तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ है और नेगेटिव यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी बॉटम से और जाएगी लीड से। अगर हम बात करें थर्ड की तो थर्ड में पॉजिटिव यहाँ है नेगेटिव यहाँ है, तो ये नीचे से आएगा बॉटम से और जाएगी साइड में। अगर हम कंप्लीट एक व्यू बनाएं तो ये हार्ट है, फर्स्ट जो लीड है वो होगी यहाँ से और इधर जाएगी। अगर सेकेंड की बात करें तो वो व्यू दे रही है ये, और अगर थर्ड की बात करें तो वो व्यू दे रहा है ये। अगर इनको एक सही ट्रायंगल में सिचुएट करें तो ये ट्रायंगल बनता है जिसको बोलते हैं इंथोवन ट्रायंगल। इनसे ये हम एक्सिस भी निकाल सकते हैं इनकी, अगर इनके सेंटर को ज्वाइन कर दे तो ये होगी फर्स्ट लीड, ये होगी सेकेंड लीड और ये होगी थर्ड लीड। वो तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल में थे तो इनके बीच में एंगल होगा 60 डिग्री, क्योंकि 60 सभी एंगल 60 है। बस चेंजेस यहाँ हैं कि ये आपको -60 मानना है जबकि ये +60 मानना है। ये जो हो जाएगा ये होगा +120, ये होगा +180 और यहाँ पर होगा -120
माइनस 180 भी लिख सकते हैं। तो ये थी तीन लीड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। और फर्स्ट लीड की बात करें हम तो ये व्यू करती है अर्थ को लेटरल साइड से, तो सेकेंड एंड थर्ड की बात करें तो ये काम करती है इंटीरियर साइड से। अगर कोई चेंजेस आते हैं फर्स्ट लीड में, कोई एबनॉर्मलिटीज होती है, तो वो डिफाइन करेगी लेटरल हार्ट में, मीन हार्ट के लेटरल साइड में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो शो होगी फर्स्ट लीड में। जबकि कोई इंफीरियर साइड में हार्ट के कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपको डिफाइन या शो होगी सेकेंड और थर्ड लीड में। फिर आते हैं हम यूनिपोलर लीड्स में। यूनिपोलर लीड्स में आपको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोड मिलेगा जो कि होगा पॉजिटिव, और नेगेटिव इनडिफाइन होता है, ये कोई सिचुएटेड लोकेशन नहीं होती इसका। यूनिपोलर लीड्स में आती हैं नो, और जिसमें से तीन होती है लिंब लीड्स जो कि होती है AVF, AVL, AVR। ये फुट पे डिफाइन होती है, लेफ्ट आर्म के लिए डिफाइन होती है, जबकि ये राइट आर्म के लिए डिफाइन होती है। अगर हम फिर से ड्रॉ करें तो यहाँ पे होगा AVL, राइट AVR, AVL, और लेफ्ट लेग में होगा AVF। ये व्यू देगा इस डायरेक्शन में, ये व्यू देगा इस डायरेक्शन में, और ये देगा डायरेक्ट इनफीरियर। अगर हम इनकी एक्सिस ड्रॉ करें, हम जानते हैं फर्स्ट जो है लीड ये होती है, सेकेंड लीड ये होती है, जबकि थर्ड लीड ऐसी होती है। AVF जो है वो डायरेक्टली अपवर्ड होगी AVF, जबकि जो यहाँ पे है ये होगा AVL, जो इस साइड होगी वो होगी AVR। अगर फर्स्ट लीड से इसकी डिग्री चेक करें तो 30 डिग्री दूर होगा ये, जबकि 30 सभी दूर, ये 30 30 का डिफरेंस हो जाए। ये हो गई कार्डियक एक्सिस से, नाप से डिफाइन कर सकते हो कार्डियक एक्सिस में हार्ट कौन सी लोकेशन में भेजते हैं। इसके साथ साथ कुछ और लीड्स होती है जो कि होती है हॉरिजॉन्टल लीड्स, वो भी यूनिपोलर होती है, डिफाइन होती है V1 से V2, V3, V4, V5 और V6 के प्लेसमेंट होता है, दिखाते हैं। ये होता है राइट टू द स्टर्नम, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ये होता है लेफ्ट टू द स्टर्नम, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। फोर्थ डिफाइन होती है मिड क्लेविकुलर लाइन, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ये होती है एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ये डिफाइन हो गया आपकी मिड एक्सिलरी लाइन V6। V3 होती है इन दोनों के बीच में, सेंटर ऑफ V2 एंड V3। अब इन लीड्स का क्या काम है वो देखते हैं। हम बात करें, ये स्टर्नम है, फर्स्ट रिप, सेकेंड रिप, थर्ड रिप, फोर्थ रिप, फिफ्थ रिप, सिक्स, सेवन, 1 2 3 4 5 6 सेवन। तो ये प्लेस्ड होती है
फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, 1 2 3 4 फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फिर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, तो वही साइड में V1, V2, V3, V4, V5, V6। ये जो लीड्स है ये आपको सिर्फ बताएगी उसकी हॉरिजॉन्टल मीन सुपीरियर जो व्यू है हार्ट का वो डिफाइन होगा। अगर हम बात करें V1 की, तो मोस्टली जो है V1 V2 इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम को डिनोट करता है, शो करता है। अगर चेंजेस आते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में तो वो शो होंगे V1 और V2। इसी प्रकार V5 V6 है वो आपको देंगे लेटरल व्यू। लेटरल साइड में अगर प्रॉब्लम होती है तो V5 V6 में चेंजेस आएंगे। अगर बात करें हम ECG मशीन की, कि ECG मशीन में सारी लीड अलग अलग होती है एक ही। अगर बात करें हम ECG मशीन की, तो सारी 12 लीड्स जो है वो एक ही ECG मशीन से कनेक्टेड होगी और ये सारी 12 अलग अलग आपको रीडिंग्स देगी। फर्स्ट लीड की अलग रीडिंग होगी, सेकेंड लीड की अलग रीडिंग होगी, थर्ड, और उसमें से स्टैंडर्ड जो लीड होती है वो होगी आपके लिए सेकेंड।